हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं कि गूगल टैग मैनेजर 2020 में नया अपडेट क्या लेके आया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी जो इनिशियल वीडियो थी बिगिनर्स के लिए गूगल टैग मैनेजर ट्रेनिंग की, ट्यूटोरियल की, वो आपने देखी होंगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट कि ऊपर लिंक में भी मैंने वीडियो का लिंक डाला हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देख सकते हैं, वहां से आप जाके पहले सारी वीडियोस को देखें जो इनिशियल की वीडियोस थी। उसके बाद आप ये देखें कि 2020 में गूगल टैग मैनेजर ने क्या नया अपडेट किया है, और ये बहुत ही मेजर अपडेट है जिससे कि हमारा वर्किंग जो मेथड था वो टोटली डिफरेंट हो गया है, क्योंकि नया GA4 आया तो गूगल टैग मैनेजर ने भी अपनी वर्किंग को चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जैसा कि हमेशा आपसे बोलता आया हूं, कहता आया हूं, कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, जैसा कि आप स्क्रीन पर लिंक देख रहे हैं, और ऊपर आइकन में भी मैंने अपने चैनल का लिंक दे रखा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि ये गूगल टैग मैनेजर कैसे वर्क करता है। देखिए, इनिशियल वीडियो सारी आपने अगर देख ली होंगी तो कुछ आपको आइडिया होगा, बट फिर भी मैं यहां पे आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूं अपडेट पर जाने से पहले। तो देखिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने गूगल टैग मैनेजर का एक बॉक्स बनाया हुआ है, तो ये हमारा गूगल टैग मैनेजर है। हम वहां पे कुछ कोडिंग करते हैं, कुछ टैग्स बनाते हैं, और उसके बाद जो टैग्स हमने बनाए हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसका हम प्रीव्यू मोड, जिसे हम डिबग मोड भी बोलते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि इसका क्या किस तरीके से क्या डेटा हम पास कर रहे हैं, क्या वैल्यू आ रही है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके बाद हम करते हैं पब्लिश, कि जो हमारा कंटेनर है, जो हम हर एक कंटेनर बनाते हैं, मीन्स मैं अगर 10-15 वेबसाइट मैनेज कर रहा हूं तो हर एक वेबसाइट के लिए कंटेनर होगा जिसमें कि हम उस वेबसाइट से रिलेटेड टैग बनाते हैं। उसके बाद ये जो टैग पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश करने के बाद क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो जीए में जाना शुरू हो जाता है, गूगल एड्स में, और भी किसी चैनल पे, हम फेसबुक पिक्सल पे भेज सकते हैं, लिंक्डइन पे भेज सकते हैं, ट्विटर पे भेज सकते हैं, जहां भी आप डेटा, जो भी पिक्सल आप ऐड करेंगे गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से, वो डेटा हम कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फाइनल होता है कि हम अपने डेटा को कैसे विजुलाइज कराना चाह रहे हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से विजुलाइज कराते हैं अपने डेटा को। तो ये फ्रेंड्स है कि गूगल टैग मैनेजर कैसे काम करता है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि गूगल टैग मैनेजर के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ जो हमारा प्रीव्यू मोड है जिसके अपडेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या फायदा होते हैं। तो टॉप 3 बेनिफिट्स मैंने यहां पे लिखे हुए। पहला है कि विच टैग्स फायर और डिड नॉट फायर, हमने मल्टीपल टैग बना दिए, ठीक है। अब अगर प्रीव्यू मोड नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर पेज पर, किसी पर्टिकुलर बटन क्लिक पर, किसी पर्टिकुलर फॉर्म पर वो टैग फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये फायदा है प्रीव्यू मोड का, जहां पे हम ये चेक कर सकते हैं। फाइंड आउट व्हाई दे फायर्ड, व्हाई दे फायर्ड का मतलब हुआ कि हमने जो टैग बनाया, हो सकता है हम उसमें कोई वैल्यू पास करा रहे हैं, उस किसी क्लिक पे कोई वैल्यू को हम उठा रहे हैं, या किसी सबमिट बटन पे हम कोई वैल्यू जो है अपने डेटाबेस में जो सबमिट कर रहे हैं, और वो यहां पे भी हम देखना चाह रहे हैं, तो जीए में भी हम देख सकते हैं, पीआईआई डेटा नहीं ले सकते, लेकिन हम उसे एनक्रिप्ट फॉर्म में सेव कर सकते हैं। थर्ड है प्रीव्यू योर चेंजेस बिफोर दे गो लाइव। तो अब मान के चलिए फ्रेंड्स कि क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट आती है कि इस बटन पे क्लिक करने पे मेरे इस इवेंट का, ये इवेंट का नेम है, ये फायर होना चाहिए और इसके साथ ये वैल्यू पास होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए क्लिक पे बटन हमारा कैटेगरी होगी और एक्शन क्लिक होगा, और उसकी वैल्यू में जो पास हो वो बटन किस पेज पे है, यूआरएल पे, वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लाइव करने से कम अपनी वेबसाइट पे देख पाते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स जो गूगल टैग मैनेजर प्रीव्यू मोड है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और क्या करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ com4su.com का, तो मैंने एक विंडो खोली हुई है जो GTM की विंडो है, उसके बाद एक अपनी वेबसाइट com4su.com को खोला हुआ है। देखिए होता क्या था, पहले अगर आपको याद हो, अगर आप गूगल टैग मैनेजर पे काम करते हैं तो देखिए प्रीव्यू मोड होता है यहाँ पे। ये सारी चीजें मैं आपको ओवरव्यू वाली जो वीडियो है उसमें दे चुका हूँ कि क्या प्रीव्यू होता है, क्या सबमिट, वर्जन, एडमिन, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगेन आई विल रिक्वेस्ट, अगर वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप देख लें।
तो आज हम बात करेंगे प्रीव्यू मोड की। तो पहले क्या होता था फ्रेंड, जैसे ही मैं प्रीव्यू करता था तो एक यहाँ पे येलो कलर की एक विंडो आ जाती थी जिसपे लिखा होता था प्रीव्यू मोड, और नीचे हमारी जब वेबसाइट को हम रिफ्रेश करते थे तो नीचे फुटर में हमारे सारे टैग दिखाई देने लगते थे क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा मेथड चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है देखिए, करके दिखाता हूँ। हमने प्रीव्यू मोड पे क्लिक किया, प्रीव्यू पे मोड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक नया टैग हमारा, एक नई विंडो हमारी ओपन होके आएगी जहां पे हम इस प्रीव्यू को देख पाएंगे। देखिए एक नए विंडो में ये ओपन होके आया जैसा मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा था। और अगर आप इसका URL देखेंगे तो देखिए tagassistant.google.com, ठीक है फ्रेंड्स। और ये एक पॉपअप ओपन होके आता है, इसमें हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, अपनी वेबसाइट का URL डालना होता है। तो हम अभी जो चेक कर रहे हैं Come4 SEO के लिए चेक कर रहे हैं, तो मैंने इसमें अपना URL डाल दिया। देखिए नीचे एरर दे रहा है हमें, ये विद HTTP और HTTPS डालना है, ठीक है। ये न्यू टैब में ओपन हुआ फ्रेंड्स, मैंने इसे क्या किया स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद देखिए ये अपना ये लोड करता है, बताता है हमें किस तरीके से क्या कर रहा है। करने के बाद हमारी वेबसाइट का एक पेज ओपन हो जाता है। अब मैं इसको क्या करता हूं, इस पेज के लिए मैं इधर थोड़ा सा मूव करा देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। मूव कराने के बाद जब मैं एक अपनी विंडो पे जाता हूं तो यहां पे ये दिखाता है कनेक्टेड, ठीक है। मैंने इस पे कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखेंगे ये मेरा पूरा प्रीव्यू मोड हो गया। कनेक्टेड किससे है, Come4 SEO.com से। ये देखिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां से आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि किस वेबसाइट का प्रीव्यू मोड देख रहे हैं, तो Come4 SEO.com का। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि हमारा नीचे आ जाता था, तो जैसे पेज हम अपडेट करते थे तो यहां से होता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको यहां पे ओपन कर लिया, और अब हम क्या करते हैं एक नई टैब में, या यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे दूसरी टैब है जिसमें हमने इसे ओपन कर रखा है। यहाँ पे टैग है हमारे, देखिए फोर्थ नंबर पे है, ये विंडो लोडेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सारे टैग फाइट्स हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं किसी दूसरे पेज पे क्लिक कर देता हूँ, अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। about.html का पेज ओपन हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमारा वही होगा, और अब जैसे अगर हमने इस पे कोई भी फॉर्म लगा रखा है, कोई भी बटन लगा रखा है, तो देखिए जैसे ये फॉर्म है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्म को भरने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो भी है मैंने इसमें कुछ वैल्यू दी, और @test.com, ठीक है, सेलेक्ट कोर्स SMO और हेलो। अगर इस पे मैंने कुछ भी ट्रैकिंग लगा रखी होगी तो मेरा ये वहां पे मैसेज दिखाई देगा। सबमिट कर दिया मैंने। सबमिट करने के बाद मैं अगेन टैग असिस्टेंट पे, देखिए डिबगर जो है कनेक्टिंग दिखा रहा है, यहाँ पे नो डिबगर फाउंड, यहाँ पे डिबगर फाउंड नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ, तो जैसे क्योंकि वहां पे मेरी कोई ट्रैकिंग नहीं थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए अब अगर मैं यहाँ पे मान के चलिए मैं ब्लॉग पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद अगर मेरा यहाँ पे डिबगर सही कर रहा है, कनेक्टेड हो रहा है, तो इसका मतलब देखिए डिबगर जब कनेक्ट होगा तो मेरा यहाँ पे दिखाई देने लगेगा कि अगर ऐसी कोई वैल्यू है, कौन सा आ रहा है, कौन सा पेज व्यू आ रहा है, सारी चीजें हम यहाँ से देख पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये पेज मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे देखता हूँ कि ऑल पेजेस पे ये हमारा ये एनालिटिक्स फायर हो रहा है, कंटेनर लोड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए दो GTM क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये 1, 2, 3 GTM क्यों दिखाई दे रहे हैं, गूगल कंटेनर्स फाउंड, ठीक है, 3, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे उस पेज पे 3 GTM पे हमने पेज व्यू टैग बना रखा हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे GA4 GA टेस्टिंग, तो मैं इसे टेस्टिंग के लिए हमेशा यूज करता हूँ, इसलिए हम जब भी नया टेस्ट बनाते हैं तो इस तरीके से कर देते हैं। तो अब देखिए फॉर्म सबमिट में जैसे हुआ तो क्या क्या हमारा टैग फायर हुआ, नहीं हुआ, ये सारी चीजें फ्रेंड्स आप यहाँ से समरी में देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे कौन सी वेरिएबल्स थे, कौन डेटा लेयर थी नहीं थी, एरर्स कोई थी नहीं थी, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये आ गया। तो इस तरीके से अब क्या होगा कि आप कोई भी पेज अगर यहाँ ओपन कर रहे हैं, कोई भी न्यू पेज ओपन कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी, ना कि हमारा पहले की तरह ऐसा होता था कि सेम विंडो पे नीचे हमारा जो प्रीव्यू मोड होता था यहाँ पे ओपन हो जाता था। तो फ्रेंड्स ये तो था न्यू अपडेट जो कि गूगल टैग मैनेजर ने किया है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि मैंने आपसे बोला था टैग असिस्टेंट,
इस वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तीन चार चीजें मैंने बोली थी। तो ये नेक्स्ट है कि टैग असिस्टेंट क्या है। तो अगर आप इस URL को भी देखेंगे tagassistant.google.com तो डिफरेंट क्या है। तो आइए फ्रेंड्स मैं बात करता हूं कि गूगल क्रोम का जो टैग असिस्टेंट होता है उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो मैंने गूगल में सर्च किया टैग असिस्टेंट बाय गूगल और इसे मैं क्रोम में ऐड कर देता हूं। हो सकता है फ्रेंड्स आपने इसे यूज किया हो पहले, अगर नहीं किया है तो मैं आज आपको बता दूंगा और दोनों का डिफरेंस समझा देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स बहुत जरूरी है समझना, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई टैग असिस्टेंट तो हम पहले भी यूज करते थे और अब ये नया टैग असिस्टेंट क्या आ गया। तो ये इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमने इस पे टैग असिस्टेंट क्या किया गूगल में, हमने गूगल क्रोम में इस एड ऑन को ऐड कर दिया। अब कैसे हम इसे यूज करेंगे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड जैसे ही हमने क्रोम का एक्सटेंशन डाला ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो मैंने क्या किया अपनी वेबसाइट को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट को क्लिक करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। अब देखना ये अभी अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या आया, कुछ नहीं। हमें क्या करना पड़ता है, इसे डन डन किया और इसे इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद मैंने किया क्या रिकॉर्ड, ठीक है कैंसिल रिकॉर्ड, और ये दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता हूं अपनी वेबसाइट को और देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू आती है। फ्रेंड्स मैं यहां क्लिक करता हूं, ठीक है अब आप देखिए तो ये टैग असिस्टेंट था जो हमने डाला था यहां पे, ये 6 रिजल्ट ऑफ टैग एनालिसिस 6 दिखा रहा है और 1 एरर दिखा रहा है। तो देखिए अगेन यहाँ पे हमारे 2 GTM आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम टेस्टिंग के लिए यूज करते रहते हैं। वेयर टू ऑप्टिमाइज, देखिए गूगल एनालिटिक्स का एक कोड आ रहा है, दूसरा कोड ही आ रहा है, तो हमने 2 कोड भी डाल रखे हैं। तो हम टेस्ट करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, इसलिए मल्टीपल हम यूज करते हैं। वेबसाइट सेटिस्फेक्शन सर्वे, ठीक है ये हमारी एक एरर दिखा रहा है, क्या है कैसे हम इसे रिजोल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आज का मेरा कंसर्न आपको ये समझाने का था कि किस तरीके से हम इस टैग असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं। कई बार फ्रेंड क्या होता है कि हम जब अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे कलीग या हमारे मैनेजर या हमारे क्लाइंट हमसे ये पूछ लेते हैं कि ये बताओ इस वेबसाइट पे कौन सा GTM टैग लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत आसान होता है वैसे तो, कि जैसे इस वेबसाइट पे पता करना है मुझे तो आप राइट क्लिक कीजिए और व्यू पेज सोर्स कर लीजिए। व्यू पेज सोर्स करके आप यहाँ पे अगर GTM सर्च करेंगे तो आपको देखिए GTM मिल जाएगा कि यहाँ पे ये GTM लगा हुआ है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कैसे करते हैं तो टैग असिस्टेंट अगर आपने डाल रखा है तो आप यहां से आराम से बता सकते हैं कि कौन कौन सा हमारा यहाँ पे GTM लगा हुआ है, कौन कौन सा GA अकाउंट हमारा यहाँ पे इनेबल है, किस किस में डेटा हमारा इस पेज का किस किस GA अकाउंट में जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी और अच्छी चीज क्या है इस टैग असिस्टेंट की, गूगल टैग असिस्टेंट जो है, कि आप GTM तो सोर्स कोड देख के पता कर सकते हैं लेकिन ये नहीं पता कर सकते कि किस GA अकाउंट में हमारा डेटा जा रहा है। यहां से आप ये बात पता कर सकते हैं, अपनी UID पता कर सकते हैं और उस UID में जाके आप अपनी उस वेबसाइट के डेटा को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको दोनों चीजें, दोनों में डिफरेंस क्या डिफरेंस है, एक तो हमारा टैग असिस्टेंट डॉट गूगल डॉट कॉम और ये एक जो क्रोम का टैग असिस्टेंट है, क्रोम का जो एक एक्सटेंशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बाइंड अप करता हूं एक समरी के साथ। तो आज की समरी क्या थी कि हमने बात की थी कि जो गूगल टैग मैनेजर है उसका प्रीव्यू मोड क्या होता है। तो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये प्रीव्यू मोड है, जो कि पहले हमारी वेबसाइट में कैसे आता था, बॉटम में सिर्फ आता था, अब एक नए टैग में, नए URL में खुलता है, नए विंडो में खुलता है, ठीक है। अगर आपको देखना है पैरेलली देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक तरकीब और बता देता हूं छोटी सी। जैसे हमने ये टैग असिस्टेंट यहां पे खोल रखा है और देखिए एक वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट है उसको हमने यहां पे खोल लिया, ठीक है फ्रेंड्स ये हमने दोनों पैरेलल में रख लिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब यहां से हम क्लिक करते चले जाते हैं। मान लीजिए अगर हमने कहीं पे कुछ बना रखा है तो देखिए स्क्रॉल पाथ मैंने लगा रखा था, अभी आपने देखा जैसे मैंने नीचे स्क्रॉल किया ये टैग मेरा फायर हो गया, आप देख रहे हैं, ठीक है राइट फ्रेंड्स। तो होता क्या है, अब मान के चलिए मैंने किसी पेज पे क्लिक किया, देखिए लिंक क्लिक मैंने उस पेज पे लगा रखा था तो तुरंत से ये मेरा लिंक क्लिक आ गया, यहाँ पे ये लिंक क्लिक आ गया, ठीक है कॉल हो गया हमारा, यहाँ पे पेज व्यू टैग कॉल हो रहा है, जो भी हो रहा है जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर स्क्रॉल पाथ करता हूं
ठीक है, अगर इस पेज पे लगा रखा है, देखिए जैसे ही मैंने लगाया तो देखो यहाँ पे तुरंत स्क्रॉल डेप्थ आ गया, स्क्रॉल डेप्थ का हमारा ये टैग फायर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप बहुत आसानी से यहाँ से पर यूज कर पाते हैं कि देखिए स्क्रॉल डेप्थ में हमारा क्या क्या यहाँ पे फायर हुआ। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हैं जो आप पैरेलल भी जो पहले हम करते थे एक वेबसाइट पे, जो कि अभी नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी आप पैरेलल में से चेक कर सकते हैं कि हमारा किस इवेंट पे कौन क्या फायर हो रहा है, कैसे फायर हो रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्रैक्टिकल मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे कि आप बहुत आसानी से कर पाए, आसानी से समझ पाए। मेरा उद्देश्य एक ही रहता है फ्रेंड्स कि ऐसा नहीं है मैं वीडियो बनाऊं और बना के छोड़ दूं। मेरा जो एम है वो ये है कि जो मुझे आता है मैं आपको सिखाऊं कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स गूगल टैग मैनेजर आज की डेट में बहुत ही अच्छा टूल है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या एनालिटिक्स में काम करते हैं या आप वेब एनालिस्ट हैं तो इस टूल को जरूर यूज करें और जरूर देखें कि किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी जो भी क्वेरी जो भी क्वेश्चन है प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उस आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाऊं। और आप मेरी वेबसाइट comfortseo.com पे भी आप फॉर्म को फिल करके अपनी क्वेरी को छोड़ सकते हैं। जितनी जल्दी होता है फ्रेंड्स मैं आपकी क्वेरी का रेस्पॉन्स करता हूं और जरूर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट जरूर दें और फीडबैक जरूर दें कि किस तरीके के वीडियो आपको मैं बना के भेजूं, बना के दूं, जिससे कि जो आपके करियर में है आपको यूज हो, जो वास्तव में आप अपने काम में यूज कर पाए और मेरी नॉलेज का यूज करके आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट ले पाए। अगर आपने 1% भी मेरी वीडियो से कुछ सीख लिया तो मुझे लगेगा कि जो चैनल जिस पर्पज से मैंने बनाया है वो मेरा सक्सेस हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।